हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो। हाँ सुशांत जी। जी बताइए। सुशांत जी, अमित बात कर रहा हूँ, नावी फाइनेंस से। सुशांत जी, हमारा एजेंट, हाँ हमारा एजेंट आज गया था ना आपका घर पे, आपने उनको पैसा नहीं दिया क्या? मैं मिला था घर पे, आप नहीं थे। मैं मिला था घर पे, आपसे पूछ रहा हूँ। आप मिले कि नहीं मिले मुझे कैसे पता चलेगा? जब आपको, आपकी जब एजेंट से बात ही नहीं हुई है पीछे, तो आप पैसे की क्या पूछ रहे? पहले एजेंट से मुझे मिला था नहीं। घर में भी पैसा, घर में बोल के आओ ना, किसी को पैसा दे के आओ, कोई आएगा तो पैसा देने के लिए। आपने मुझे बता दिया, थैंक यू। ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो आप एजेंट को कब भेज रहे हो? आज के डेट पे पेमेंट करवाइए आप। नहीं मैं अभी रुको, क्या कहते हैं, आपसे बंदे बुला लेता हूँ। मैं बंदों के पास पैसे हैं, कुछ बाउंसर भाई हैं मेरे, उनके पास पैसे रहते हैं। मतलब मैं अपने पास कैश नहीं रखता, मेरे कुछ बाउंसर भाई हैं, उनके पास कैश, उनको बुला लेता हूँ, वो वहीं घर पे। बाउंसर भाई है मेरे, सुशांत भाई, ये बाउंसर बाउंसरों का बात कर रहे हो? बाउंसर, अरे बाउंसर भाई है यार, मार पिटाई की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आप गलत समझ रहे हो। वही बाउंसर भाई का बात कर रहा हूँ, थोड़ी ना तुम्हारे लिए बाउंसर बनेंगे, वो तो पैसे लेंगे ना उनके लिए। तुम्हारे पास पैसा है? नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जो भाई है ना, मेरे जो बाउंसर भाई है वो लोग कैश। वो सब बात छोड़ो यार, तुम भाई अपने पास रखो, मेरे को बताओ पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? आप कब तक पेमेंट कर रहे हो इतना बताओ। पेमेंट क्या यार, पहले मुझे बता, एग्जीक्यूटिव मुझसे मिला था, पहले मुझे ये जानना क्या धंधा है। एग्जीक्यूटिव मुझसे मिला था नहीं मिला था मुझे ये बताओ। तुमसे मिला मतलब घर पे नहीं रहोगे क्या? गलती किया किसका है? अरे एग्जीक्यूटिव मिला था या नहीं मिला था, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा मैं घर पे था या नहीं था, मुझे ये बताओ। एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलके गया था या मुझे बिना मिलके गया था? अरे तुमसे मिला था नहीं मिला था इतना क्वेश्चन तू मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो भाई? अरे तो यार जब एग्जीक्यूटिव से बात ही नहीं करी तुमने। अरे यार क्यों छोड़ दो, मैं मुझे जानना है। अरे तुमको क्यों जानना है? पैसा दो, चुपचाप बस काम खत्म करो। अरे यार मुझे जानना है, नहीं मुझे जानना है तुमको क्यों जानना है, क्या जानना है? तुमको जानना है ना पैसा क्यों नहीं भरा अभी तो बताओ। पहले मुझे, पहले मेरा क्वेश्चन है यार, तुम्हें पैसा क्यों नहीं भरा? पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, पैसा क्यों नहीं, पहले तुमने क्यों क्वेश्चन, मैंने कॉल किया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। इधर पैसा लेके तुम इधर पैसा खर्चा कर दिया और देने के लिए तुम्हारे अभी बहाना बकाना कर रहे हो। बाउंसर है मेरा घर पे, मैं नहीं था, मेरे साथ मिला था, इतना बहाना कर रहे हो तुम। पैसा लेने का टाइम पे तो वो बहाना नहीं था तुम्हारा, देने का टाइम पे इतना बहाना क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन करूंगा मैं, ये करूंगा क्वेश्चन, मैं करूंगा क्वेश्चन, मैं करूंगा क्वेश्चन, मैं करूंगा। अरे कौन क्वेश्चन करेगा ये डिसाइड मैं करूंगा ठीक है? बताए आपका पेमेंट करो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लबड़ा सुर की याद आ गई, लबड़ा सुर होता था। बाप चुनना नहीं हो तुम, कर्जदार हो ना, लबड़ा सुर हो रहे हो तुम भी, लबड़ा सुर जैसे रहो, कर्जदार हो, कर्जदार जैसे रहो ठीक है? कर्जदार, कर्जदार बहुत कुछ कर सकता है, बताए कर्जदार हो ना तुम, कर्जदार हो ना तुम। हाँ कर्जदार तो हूँ, एक काम करना एग्जीक्यूटिव को छोड़ो, अब एक काम करना, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। क्या करना है? कैश दे दूंगा मैं तुम्हें ठीक है? मेरे लेने का नहीं लेने का क्या? सुन तो ले, बोले जा रहा है भाड़ो करेंगे और बोलेगा नहीं तुम, मैं वो लबड़ा सुर, सुन तो ले, पेमेंट नहीं दे रहे हो। अबे मेरे पीछे के बाल और आगे के बाल में पड़े हुए जू, सुन तो ले, क्या सुनना है तुम्हारा, क्या सुनना है? पेमेंट दो तू, उसके बाद सुनेंगे, सुनाने और सुनाने का बात खत्म हो गया है, अभी पैसा भरो चुपचाप। अबे बोलने देगा पेमेंट को या मुंह में घुस तू तेरे पेमेंट? तुझे क्यों बोल रहा तू, तुझे क्यों बोल, मैं कॉल किया हूँ अभी, मैं बोलूंगा तू सुन अभी। तो सही तो बोल ले, पहले बोल, बोल ले, बोल ले, बोल ले, पेमेंट कर, पेमेंट कर, पेमेंट कर अभी, पेमेंट कर, पेमेंट कर अभी, लाइन पे हूँ, पेमेंट कर, पेमेंट कर। बहाना कर रहा है, 56 बहाना कर रहा है, पेमेंट करने के जगह पे 56 बहाना। पेमेंट कर, पेमेंट कर, हो रहा है पेमेंट, हो रहा है, कर दिया पेमेंट। इस समय चल रहा है, इस समय चल रहा है फोन, सनी लियोनी का फोन चल रहा है, एडजस्ट सीन चल रहा है, डाला डाला डाली चल रही है, देखने दे तू मुझे, जो करना है ये डाल दिया, जो करना है तुझे, जो करना है कर ले भाई, तू पेमेंट करके कर। डैनी डैनियल देखता हूँ, अगर डैनी डैनियल दे फटाफट, तुझे जो करना है कर ले, तू पहले ईएमआई भर उसके बाद कर ठीक है?
मैं वही तो कह रहा हूँ यार, तो सुनता तेरा पर्सनल चीज मुझे। अबे बोलने तो दे कम से कम। बोल 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 गधा कहीं का। एक काम कर, जो एग्जीक्यूटिव आया था ना, जो एग्जीक्यूटिव आया था ना तो उसको भूल जा। एक काम कर, पैसा कैश घर पे तैयार है, तू आ जा ले। तेरा नौकर है क्या मैं? तेरा नौकर है तू? अरे बेटा ऐसे मुंह में फांसूंगा ना, पीछे से बाहर आ जाएगा। ज्यादा बोल रहा है, तू बता है तेरा नौकर है क्या? नाभी तेरा नौकर है क्या? नाभी नहीं है। अबे तू तो मेरा बेटा है, नौकर क्यों होगा? पागल है बेटा? बाप के लिए नौकरी करता है कोई? पापा बोल दे, पापा तो बोल देना। सुशांत तू 15,000 रुपए नहीं दे पा रहा है, तेरा नौकर ना भी होगा। पापा तो बोल दे ना, पापा बोल दे। नौकर पागल है? अपने बाप के लिए नौकरी करेगा तू? अपने बाप के लिए तो नौकरी करेगा? तुम्हारा असली रूप है यही, तुम्हारा असली रूप है। ठीक है, नहीं असली रूप तो खतरनाक है, मैं तभी तो कह रहा हूँ घर पे आ करो और देने का टाइम पे बहाना करो। असली रूप बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि लड़की के बदले तेरी ले लूंगा घर पे आ जा। अरे तुम हमें तुम अपना रूप मत दिखाओ। मैं तुझे तो अपना अस्त्र दिखा दूंगा सीधे। अरे भाई रोज रोज तुम्हारे जैसा हजारों हजारों लोगों को हम हैंडल करते हैं, तुम्हारे जैसा। और तुम ओ यार, अच्छा हजारों लोगों के ले लेता है ये? दिक्कत है तेरे जैसा ना, लाखों देखे हैं। मेरे जैसे नहीं देखे, मेरे जैसे देख लियो तो एजेंसी की मां मैंने कर देता। मैं तो एजेंसी बंद करवा देता। तू बहाना बहाना मत कर भाई, तू चुपचाप पेमेंट कर दे भाई। तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते। अब कैश हो रहा हूँ घर पे आ जा, लेने कैश आएगा कैश घर पे पड़ा है। जाएंगे क्यों तू? देने का टाइम पे तेरा घर पे जाके दे के आया। अबे तो मुझसे पूछे बिना क्यों आया था गेंडू? तूने ऑनलाइन में? अरे गेंडू अप्लाई करके, मुझे अभी पीछे गेंडू हो गया था। गेंडू तूने ऑनलाइन में अप्लाई करके लिया था ना? मुझे अभी यार मच्छर ने काट लिया तो गेंडू हो गया था पीछे। अरे जैसे तू मेरे पीछे आया, तू भी गेंडू है। गेंडू एकदम बिन बाल का बच्चा है तू, बिन बाल का बच्चा। पूरे शरीर में तेरे कई बाल नहीं है। गे जैसी हरकतें हैं, टीएल को देता है, मैनेजर को देता है, हर कस्टमर का मुंह में लेता है। अरे कम से कम यार बता दे देता, मच्छर की पूछ के बाल, वो मच्छर में पूछ नहीं होती। मच्छर की पतली टांग, बंदर की पूछ के बाल, बंदर के लक्ष्य के घुट्टे, कम से कम तू मुझसे इतना बोल देता। एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो मैं लक्ष्य पे तेल लगा के तैयार रखता और डाल देता उसके मुंह में अपना। ठीक है, तूने जैसे ऑनलाइन में पेमेंट लिया था वैसे पेमेंट भर। आज के दिन पे पेमेंट चाहिए मुझे। अरे मैंने तो ऑनलाइन में क्रोम पे फोन भी देखी है, आ जाएगा देने। तू मतलब आप लोग तो काम करके दिखा। ठीक है, काम करके आ जा, तू भी आ जा। अपनी जो भी फीमेल वगैरह हो ना कलेक्शन की, जो भी कॉल गर्ल, उनको भी लिया लिया है। अभी ऑनलाइन में पेमेंट कर अभी। बात कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। तेरे मुंह में डाल दिया तो पीछे से निकल जाएगा, तेरे मुंह में डाल दिया तो पीछे से निकल जाएगा, तू बोल भी ना पाएगा। आ आ आ इतनी देर में निकल जाएगा। ढगाढक ढगाढक पेमेंट करने का टाइम तो अभी बहाना कर रहा है। मैं बहाना गाली दे रहा हूँ, सीधी सीधी बहाना थोड़ी है ये। पेमेंट कर चुपचाप। चिल्ला मत यार, चक्की निकल जाएगी तेरी पीछे से। इतना चिल्लाएगा पागल है? पैसे भी फटा हुआ होगा। टीएल मैनेजर कस्टमर को देता फिरता है, पूरा खुला हुआ होगा तेरा। तू पेमेंट करना, तू पेमेंट करना भाई, तू पेमेंट कर। पेमेंट बोल रहा हूँ, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जाना। तेरी सारी चुल मिटा दूंगा मैं, तेरा कीड़ा मार दूंगा, तू घर आ जाना मेरे बाबू मेरे सोना। सुशांत, अबे सुशांत चुपचाप पेमेंट कर भाई, बोल रहा हूँ मैं, पेमेंट कर चुपचाप। सुशांत उससे बोल रहा है तू घर आ जा, सुशांत बोल रहा है तू घर आ जा लेने पेमेंट दे। जाने का टाइम चला गया है, अब तू पेमेंट मत नहीं है घर आने की, तुझे कस्टमर डाल देगा उतार के तेरी। सुनेंगे उस टाइम पे, सुन तो ले पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो ले। जब हमने घर गया था तो उस टाइम पे क्यों नहीं था घर पे तू? अबे पागल, मुझे बता के नहीं आया होगा ना तू? तेरे को बता के क्यों जाएंगे?
अबे तो क्या तेरे लिए हर समय अवेलेबल रहूंगा, मुझे पता है कि सपने आ रहे हैं तू आएगा। अब ये थोड़ी व्हाइट ड्रैगन की गोली है, वो रोक के रखूंगा मैं, खत्म भी हो सकती है यार, तेरे लिए हर समय तैयार रहूंगा। तू सुन ना, तू सुन ना, तू सुन ना, तेरे को अगर हम बता के जाएंगे तो तू भाग जाएगा ना? भाग थोड़ी जाऊंगा, डंडा डाल दूंगा मैं। आ तो जा तू, आ जा, अभी कह रहा हूँ, अभी आ जा घर पे, घर पे आ जा, अभी आ जा, अभी हूँ घर पे। अरे अवेलेबल हूँ घर पर। एक बात बताना, तू 5 महीने से भाग क्यों रहा है भाई? अरे बोल तो रहा हूँ घर पे अवेलेबल हूँ, आ जा। अरे 5 महीने से तू क्यों भाग रहा है बोल? 5 महीने से रशियन पहन रहा था, हर जगह जा जाके। क्यों? वो मुंबई में, मुंबई में हर जगह रशियन पहन लिया जा जा। भाग क्यों रहा तू बोल ना भाई? बता तो रहा हूँ, रशियन पहन रहा था 5 महीने से, मुंबई बम्बई हर जगह जाके खेल रहा था, खेल रहा था। तू भाई ढकाढक ढकाढक टकाटक टकाटक हो रही थी। तू मेरे को मौत सिखा, तू क्या करना है क्या नहीं करना है, तुझे जो करना है कर, मुझे आज शाम तक पैसा चाहिए, ठीक है? शाम तक मैं तेरे मुंह में डाल देता तू अगर मेरे। आज शाम तक पैसा चाहिए, कैसे भी करके पेमेंट चाहिए। मैं घर आ जा, मैं अभी फोन रख रहा हूँ। ऑनलाइन में पाँच बाबू की औलाद अभी क्यों रख रहा है? बात कर, उसके बाद हम देखते हैं। बात कर अभी, पाँच बाबू की औलाद बात कर अभी। पहले तुम्हारा तुम्हारा पैसा 5 बजे से पहले हमारे खाते में आना चाहिए। अबे बात कर, कॉल मत कर बेटे, पाँच बाबू की औलाद बोल रहा हूँ सुशांत। तब पाँच बाबू की औलाद मेरी बात सुन, कॉल कट मत कर। 5 बजे से पहले तेरा पैसा मैं हमारे बेटे 5 सालों तक नहीं आने का, 5 सालों तक। मेरे दिल पे क्या बोला मैं? 5 साल, 5 साल तक भी नहीं आएगा, 5 साल तक भी नहीं आएगा, 5 साल तक नहीं आएगा। क्या बोला मैं तेरे को? तूने बोला, तूने बोला, मैं आ रहा हूँ भाई इसको लेके। जितना बोला उतना बोल। तूने बोला, तूने बोला 5 बजे से पहले पहले। हाँ तूने बोला 5 बजे से पहले पहले पैसा आना चाहिए, लेकिन मैंने बोला 5 सालों तक नहीं आएगा। 5 बजे से पहले तेरा पैसा आना चाहिए, जितना बोला। अरे यार कोई अपनी एजेंट लिया यार, फीमेल एजेंट, घर पे बीवी नहीं है आज मेरी। 5 बजे से पहले क्या होना? अरे कोई फीमेल एजेंट लिया यार अपनी, घर पे बीवी नहीं है। बच्चा है क्या तू? नहीं घर पे बीवी आई नहीं। एक एक हाथ पकड़ के समझना पड़ेगा। हाथ मत पकड़ना, हथियार बाहर आ जाएगा। पैसा आना चाहिए 5 बजे से पहले, तेरा पैसा आना चाहिए। 5 साल तक नहीं आएगा बेटा, 5 बजे से पहले तेरा पैसा आना चाहिए। आज क्या बच्चों की तरह एक ही चीज बोले जा रहे हैं, 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे से पहले बच्चा है क्या? अरे छोटा बच्चा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? छोटा बच्चा है क्या? हाँ हाँ 5 बजे से पहले, ठीक है, शॉप की हाथ में आ गई मेरे अंदर, तेरा पैसा आना चाहिए बेटा। शॉप नमस्कार, क्या मेरी बात सुभाष पार्क से हो रहा है? हाँ मैडम हो रहा है। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम गुड़िया है, मैं SBI की ओर से बात कर रही हूँ। बताना चाहूंगी ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। मैडम मैं आपको, मिस गुड़िया, मैं भी यही कहूँगा कि मैं भी अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके चलता हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपका SBI में लोन चल रहा है सर, पर्सनल लोन, जिसमें आज के रिकॉर्ड अनुसार 4,160 रुपए ओवर ड्यू है 44 डेज से। तो जान सकते हो किन कारणों के वजह से नहीं किए हैं पेमेंट जमा? मैडम कारण जान के आप क्या करोगी, क्योंकि आप लोग फिर से कॉल कर दोगे। आप पेमेंट कब तक करवा देंगे सर जमा, जल्द से जल्द? मैडम अगले कॉलर को बता दूंगा, क्योंकि आप लोग फिर से कॉल कर दोगे। सर आपका पेमेंट ओवरड्यू है, इसीलिए आपको कॉल किया गया है सर। तो जान सकते हो आप पेमेंट को जल्द से जल्द कब तक करवा देंगे जमा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेमेंट 44 डेज से इरेगुलर पे चल रहा है सर, जिसके लिए आपके पास ये कॉल जा रहा है। तो आप कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहे शायद, जिसके वजह से बार बार कॉल जा रहा है आपको। तो मैडम कंफर्मेशन देने के बाद भी कॉल जाता है, कैसी बात है? इधर पे तो अभी तक आपको ने कोई ऐसा कंफर्मेशन दिए नहीं है सर, इसीलिए आपको दोबारा कॉल गया है। कोई बात नहीं मैडम, कंफर्मेशन देने के बाद आप लोग फिर कॉल कर दोगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं दिया। कंफर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देने से कॉल नहीं जाता है सर। तो मैं मैडम लिख लो आप, मैं जॉब लॉस हूँ, अभी मनी का प्रॉब्लम है मेरे पास, 1 महीने बाद पेमेंट कर पाऊंगा, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ अश्विदा को। तो आप पेमेंट को कब तक करवा देंगे जमा? अभी तो बताया मैडम 1 महीने बाद।
माफी चाहूंगी सर, 1 महीने तक का इतना दिनों का कंफर्मेशन नहीं ले सकते, इससे पहले हो सकता है सर? नहीं मैडम, इससे पहले मुश्किल है, जॉब ढूंढ गई तो। क्योंकि आपका पेमेंट डिले होने की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है और भविष्य के लोन सैंक्शन पर भी इफेक्ट हो सकता है, और इतना ही नहीं लीगल एक्शन भी हो सकता है, साथ ही में आपके एसेट को रिपोजिशन भी किया जा सकता है। तो क्या आप ये ड्यू अमाउंट, मैडम आप जो कह रही हो ना लीगल होगा वो तो दिखता है, आपने क्या बोला एसेट को क्या किया जा सकता है? एसेट रिपोजिशन भी किया जा सकता है सर। मैडम इसकी हिंदी बताएंगी जरा, मतलब आप अगर लोन लिए हैं तो हाँ। उसके बदले में अगर आपने कोई एसेट दे के लोन लिए हैं तो वो एसेट को भी रिपोजिशन किया जा सकता है, मतलब जब्त किया जा सकता है, आप ये कहना चाह रही? जी। तो मैडम मैं आपको पहले बता दूं, ये जो है ना अगर मैंने किसी एसेट को लिया होगा तो वैसे तो मैंने कोई ये सिक्योर लोन तो है नहीं, ठीक है, अनसिक्योर लोन है, तो वैसे मेरा कोई भी एसेट जब्त नहीं होगा, मेरा कोई भी एसेट ये नहीं रख सकते। आपका ये बात मैडम इस पे जो है ना, सुन दो मैडम, इस पे ईसीएस होता है क्लियरेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब ऑटो डेबिट वो भी नहीं लगा, तो मतलब लीगल का तो कोई चक्कर ही नहीं बनता। आपका ऑटो डेबिट सिस्टम दिया गया है सर हर महीने 2 तारीख का? अच्छा एसबीआई का है ना, इस पे दिया हो तो मैडम इस पे जो आपका क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग अभी आपका दिखा रहा है 95,622.35 पैसा। जो जो आपका 1 लाख के अंदर अंदर के लोन होते हैं ना, 30,000, 40,000, 1 लाख, उस पर आप जानबूझ के केस नहीं करते हो, क्योंकि बाद में सेटल होगा आपको पता है, आप लोग नहीं करते होते तो केस भी। वो क्या होगा सर, वो तो बैंक मैनेजर डिसाइड करेंगे ना। मैनेजर ठीक है मैडम, जो एज पर इंफॉर्मेशन है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब बाद में आपका 1 लाख के नीचे पेमेंट को बैंक केस करेंगे नहीं करेंगे वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अभी पेमेंट नहीं किए हैं, इसके परिणाम में क्या क्या हो सकता है मैंने आपको वही बताया, क्या क्या इशू हो सकता है। मैडम मैडम आपको मैं बताता हूँ कि मैं भी कलेक्शन का ही बंदा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं सर। थैंक यू मैडम, आप हमारे पास जो जानकारी है वो हमने आपको बताया, तो थैंक यू मैडम। आपने जो आप क्या ये बता सकते हैं 7 डेज के अंदर क्या आप पेमेंट कर सकते हैं जमा? नहीं मैडम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो पार्शियल पेमेंट करवा दीजिए, मतलब फिलहाल के लिए इतना पॉसिबल हो रहा है। मैडम फिलहाल के लिए आप 1 महीने बाद ही होगा जो भी पॉसिबल होगा, 1 महीने बाद आपको दूंगा। तो कृपया तब आप अपना होम ब्रांच से बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए सर। ओके मैडम, थैंक फॉर हेल्प और नॉलेज मैडम, नींद आ रही है मैडम, ठीक है मैडम, मैं बात कर लूंगा मैनेजर से। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।